Morning dear all, our today's topic is working with paint, which is lesson number 4 from your computer book part 5. Okay, so this is last part of your chapter which is working with paint. ठीक है ना, ये आज हमारा part 5 है, ये last part है. आज हमारा chapter यहाँ पे finish हो जाना है. Okay, और if किसी को part 1, part 2, part 3 and part 4 अगर नहीं मिले हो तो उसका जो link है मैं description box में डाल दूँगी. तो आप part 1 से लेके जिसका skip हो गया हो, जो पढ़ नहीं पाया हो, तो वहाँ से आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है ना, तो आज हमारा यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. और इसके नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगी, उसमें थोड़ा सा टिप्स वगैरह रहेंगे. ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे. बाकी आज हमारा जो मेन यहाँ पे चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है ना, आई रियली होप कि जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से. इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियोज़ चाहिए हैं तो प्लीज़ आप ये भी कॉमेंट कर सकते हो. ठीक है, कोई पार्ट अगर आपको जानना चाहते हो जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, तो आपके माइंड में होगा कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो आप टॉपिक बोलोगे उसमें वीडियो बन जाएगा. ओके ओके, तो सीधा हम आते हैं हमारे टॉपिक में. ठीक है ना, ओके, सो आई रियली होप कि सबको क्लियर दिख रहा होगा. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. है ना, काफ़ी मैंने जूम कर दिया है, अब क्लियर होगा. ओके ओके, सी, सो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, फ्लिपिंग द पिक्चर. अब जब हम MS पेंट में पेंटिंग करते हैं तो उसमें पिक्चर को फ्लिप करना होता है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है आज हमने वो देखना है. ठीक है ना, तो क्या करती हूँ, पहले रीड करती हूँ, उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर आपको फिगर में भी एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से. ओके ओके, नाउ सी. ओके, सो फ्लिपिंग द पिक्चर. ठीक है ना, फ्लिपिंग द पिक्चर पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ़्लिप का मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है ना, फ्लिप अगर करना है तो फ्लिप का मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है. सो फ्लिप करना क्या होता है, एक तरह से रोटेट करना पिक्चर को. ठीक है ना, अगर आपको पिक्चर सीधी है, अगर आपको उसको लेफ़्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट, पूरा 360 डिग्री रोटेट करना है, तो इसको हम कहते हैं फ़्लिप करना. ठीक है ना, अब मैं आपको रीड करती हूँ फिर समझाती हूँ अच्छे से. ओके सी, फ्लिप मीन्स टू रोटेट और टर्न द सेलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. देखो एग्जैक्टली मैंने बोला ना, रोटेट करना. ठीक है ना, तो फ्लिप का मीनिंग क्या होता है, पिक्चर को रोटेट कर देना, टर्न कर देना. ठीक है, जो भी हमने पिक्चर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में होती है, जो हम ड्राइंग एरिया में बनाते हैं, उसको टर्न कर देना, रोटेट कर देना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. अब आप लोग बोलोगे कि मैम हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है. ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, आप लोग स्क्रीन में देखो, जो ये लाइन ये सीधी होती है, ये आपको सीधी लाइन दिख रही है, दिस इज़ वर्टिकल. ओके, ये वर्टिकल लाइन है, और जो लाइन ऐसी होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ठीक है ना, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टास्क बार स्क्रीन के सबसे बॉटम में रहता है और हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो, है ना, तो कैसा टास्क बार हॉरिजॉन्टल होता है, मीन्स ऐसा होता है, नीचे होता है. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल. ठीक है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना, क्लियर हुआ, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन वर्टिकल. आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है. ओके ओके, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हुआ. तो इसमें ये है कि हम पिक्चर को जैसा चाहते हैं या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है फ्लिप करने का मीनिंग. ओके, नाउ फर्स्ट मैं फिर से इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ. ओके, नाउ फर्स्ट क्या करना है, क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट द पिक्चर. क्लिक ऑन द, मैं पूरा पहले रीड करती हूँ. ओके, देन सेकेंड, क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब. थर्ड, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड फॉर चेंजिंग द रोटेशन और फ्लिपिंग. एंड फोर, सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड द सेम इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन डैट पिक्चर. ओके, तो ये मैंने क्या किया, रीड किया. ठीक है, अब एक लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट लाइन क्या है, क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट द पिक्चर. क्या करोगे, सेलेक्ट टूल ऐसा कुछ दिखता है,
ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी स्क्रीन में पिक्चर है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन। फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा रोटेट। रोटेट ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे, सो क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में जाकर रोटेट ऑप्शन में क्लिक करोगे, इमेज ग्रुप में जाकर रोटेट ऑप्शन में क्लिक करोगे, ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलता है, ये होम टैब में मिलता है। ये इमेज ग्रुप आपको होम टैब में मिलेगा, वहाँ जाकर आपको रोटेट ऑप्शन में क्लिक करना है। ओके, नाउ थर्ड, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड फॉर चेंजिंग द रोटेशन और फ्लिपिंग। उसके बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, फ्लिप करने के लिए, रोटेट करने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड द सेम इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन दैट पिक्चर। तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लोगे और आपकी पिक्चर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज में, अब आप फिगर में समझो, ठीक है, ये तो मैंने अभी रीड करके समझाया, अब फिगर में आ जाइए। ओके, नाउ सी, आपको पिक्चर दिख रही होगी ना स्क्रीन में, तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन कहाँ रहता है, सी, दिस इज सेलेक्ट ऑप्शन। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो जो ये हमारी पिक्चर है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे आप सेलेक्ट करोगे अपना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। डैट मीन्स आपकी जो इमेज है वो सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मीन्स हमारी यहाँ पे जो पिक्चर है सेलेक्ट हो गई। अब देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ये हाइड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की लिस्ट आ गई है, ये आपको जो मैं बताती हूँ, सी, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज, क्या लिखा है इस जगह पे, इमेज लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब सिस्टम ऑन करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे, वहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ छोटा सा आपको दिख रहा होगा नीचे, तो उसमें क्या करना है, उसी ये, और ये क्या है आपका, ये आपका होम टैब होता है, दिस इज़ कॉल्ड होम टैब, ठीक है ना, ये है आपका होम टैब, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या है, आपको इमेज ग्रुप मिल जाएगा, जैसे आपने उसमें क्लिक किया, आपने इमेज में क्या किया, एक क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, ये सारी लिस्ट ओपन हो गई। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कि रोटेट 180 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट राइट 90, तो आपको जिस भी एंगल में रोटेट करना है आपका पिक्चर रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। कार ऐसी है, ऐसी हो जाएगी, घूम जाएगी, फिर रोटेट हो जाएगी, जिस भी एंगल में इसको रोटेट करना हो, ये पूरा इतना 360 डिग्री घूम सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है रोटेट करने का मीनिंग, फ्लिप करने का मीनिंग, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑप्शन में क्लिक किया, आपका पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। पिक्चर सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे इमेज ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारा होम टैब है, ठीक है, इसको हम कहते हैं होम टैब। इमेज ग्रुप में आप जैसे जाओगे, ये हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे हमने लिस्ट ओपन हो गई, रोटेट, इमेज ग्रुप में रोटेट ऑप्शन रहता है, रोटेट को क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ओपन हो गया, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो गई, और हम अपने अकॉर्डिंग हमें कितना रोटेट करना है पिक्चर को, कितना फ्लिप करना है, हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया फ्लिपिंग द पिक्चर, ठीक है ना। आई होप बेटा इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है आपको, ठीक है ना। ओके ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट में। इस इतनी जगह कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई भी डाउट हो बता देना, ठीक है ना। ओके नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ फ्लिपिंग द पिक्चर ओवर हुआ, अब हम आते हैं किसमें, सी, जूमिंग द पिक्चर। अब जूमिंग द पिक्चर, अब जूम का मीनिंग क्या होता है, आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि जूम का मीनिंग होता क्या है, ठीक है ना। आपके पास, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आप कोई पिक्चर को, आपको नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल साइज़ से आप उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से ड्रैग करते हुए खींचते हो तो बड़ा हो जाता है, फिर उसको फिर डिक्रीज़ करते हो फिर छोटा हो जाता है। सो पिक्चर को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, ये जूमिंग कहलाता है, ठीक है ना। या तो बड़ा करना या छोटा करना, दोनों को ही जूम करना कहते हैं। नॉर्मल साइज़ में पिक्चर है, आपने क्या किया उसको, उसको एकदम जूम कर करके क्या कर दिया, एकदम बिग साइज़ कर लिया, ठीक है। किसी पार्ट को अच्छे से देखना है तो क्या कर लिया, उसको जूम कर लिया, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल साइज़ से भी छोटा कर देना,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये जूमिंग करना, जूम का मीनिंग ही होता है पिक्चर के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना। ओके, अब देखो हम सिस्टम में ये ड्राइंग में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। चलो सो रीड करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग देखना, ठीक है। तो पहले मैं रीड कर रही हूँ, सी आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा। ओके सी, जूमिंग द पिक्चर। जूम मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इन एनी रेशियो। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पिक्चर को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है, जो पिक्चर का साइज़ होता है। सो कोई भी हमारी स्क्रीन में ऑब्जेक्ट है उसका व्यू साइज़ से उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, और किसी भी रेशियो में, ठीक है ना, ये कहलाता है जूमिंग। ओके, अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, सी फर्स्ट ड्रॉ आ स्माइलिंग फेस। क्या किया, एक स्माइलिंग फेस को ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ सेकेंड, क्लिक ऑन जूम इन ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द व्यू टैब टू इंक्रीज द व्यू साइज। फिर हमने जूम इन ऑप्शन में क्लिक किया, जूम इन ऑप्शन में क्लिक किया, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो व्यू टैब में प्रेजेंट होता है, कहाँ, व्यू टैब में, ठीक है। उससे हमने उसका साइज को इंक्रीज किया, ठीक। नाउ थर्ड, क्लिक ऑन जूम आउट टू डिक्रीज द व्यू साइज ऑन व्यू टैब एट रिबन। ये जो व्यू टैब है ना, रिबन में होता है व्यू टैब, ठीक है। अब हमको उसका क्या करना है, जो भी हमने पिक्चर का साइज जूम किया है, जूम आउट को जूम इन सेलेक्ट करोगे तो पिक्चर का साइज क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जूम आउट को सेलेक्ट करोगे तो पिक्चर का साइज डिक्रीज हो जाएगा, मींस कम हो जाएगा। जूम इन करोगे तो पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा, जूम आउट करोगे तो पिक्चर का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ, क्लिक ऑन द 100% टूल, ऐसे लिखा होगा, जूम टू 100%, ठीक है ना। क्लिक ऑन द जूम टू 100% टूल, द पिक्चर विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। जैसे आप ये जूम टू लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दोगे, आपका पिक्चर नॉर्मल साइज में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिगर में देखो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। ओके सी, सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ आ स्माइलिंग फेस। हमने क्या ड्रॉ किया, एक स्माइलिंग फेस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना स्माइली फेस, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया, क्लिक ऑन जूम इन ऑप्शन, व्यू टैब में गए, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ व्यू टैब, ये जो यहाँ पे है ये व्यू टैब है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, दिस इज़ व्यू टैब, सी ये व्यू टैब है, ठीक है। व्यू टैब में जाके जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये ऑप्शन है जूम इन, ये जूम इन ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रहा है जूम इन, जूम इन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्माइली फेस है, सपोज ये इतने साइज़ का था, ठीक है, ये इतने छोटा सा था, ये बड़ा हो के कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। जूम इन करने से साइज़ इंक्रीज होता है, जूम इन से साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज होता है। ओके, अब साइड में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जूम आउट, ठीक है, दिस इज़ जूम आउट। जैसे आप जूम आउट में क्लिक करते हो, ये लिखा हुआ है जूम आउट, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप जूम आउट में क्लिक करते हो तो अगर पिक्चर का साइज़ आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर ये नॉर्मल साइज़ तो वैसे ये नहीं है, बड़ा हो गई दिख रहा है, अगर ये साइज़ है तो पिक्चर हमको छोटा मिल जाएगा, छोटा सा, ठीक है, क्योंकि हमने साइज़ को क्या कर लिया, डिक्रीज़ कर लिया, किसकी हेल्प से, जूम आउट की हेल्प से। जूम इन साइज़ को बढ़ाता है, जूम आउट साइज़ को घटाता है, ठीक है, ये कर लिया। ओके ओके, अब देखो उसके बाद हमको हमारा पिक्चर चाहिए, चलो भाई हमको नहीं घटाना बढ़ाना, हमको नॉर्मल साइज़ में हमारा पिक्चर चाहिए, तो क्या करोगे, उसके बाद जूम टू 100% लिखा होगा, ये आपको दिख रहा है 100% यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करोगे, इसमें क्लिक करोगे, 100% लिखा होगा जूम टू, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है तो जो आपका पिक्चर है वो कैसे हो जाएगा, वो आ जाएगा नॉर्मल साइज़ में, कैसे, नॉर्मल साइज़ में, ठीक है, क्लियर हुआ ना। जूम टू 100% कर दोगे तो आपका पिक्चर नॉर्मल साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, ये 4.6 फिगर था, 4.8 फिगर था, सॉरी, यूजिंग जूम ऑप्शन, ठीक है, हमने जूम ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो पढ़ लिया।
यहाँ पर क्या है, जूम स्लाइडर, ये आपको दिख रहा होगा जूम स्लाइडर, तो इसकी हेल्प से भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप हमारा हो जाता है चैप्टर फिनिश, विच इज़ वर्किंग विथ पेंट, के सारे टॉपिक जितना भी आपके चैप्टर में था हमने सारे टॉपिक पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर हो जाता है ख़त्म, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टिप्स वगैरह है तो छोटा सा वीडियो उसके लिए बना दूंगी, तो आपको वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। और बेटा प्लीज़ आप लोग वीडियो प्लीज़ देखो और शेयर करो, क्यों नहीं देख रहे हो, मैं देख रही हूँ व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करो, उसको देखो पढ़ो समझो, इतना सारा बोल के एक्सप्लेन करना आसान बात नहीं होती है ना, मेहनत लगती है बेटा इसमें भी, है ना। तो प्लीज़ पसंद आता है तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया है, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ओके। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।